आज दोस्तों ये वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो सीआरटी पीसीबी का जो स्टैंड बाई पिन है, ठीक है, सभी सीआरटी टीवी पीसीबी का अंदर जो प्रोसेसर आईसी होता है उसका अंदर एक स्टैंड बाई पिन होता है, जिसको पावर पिन भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज ये वीडियो के अंदर ये जो चाइना पीसीबी है इसका अंदर जो स्टैंड बाई पिन है, ये जो मेन प्रोसेसर आईसी 8895, 8893 इस तरह जो वर्टिकल आईसी, सॉरी मेन प्रोसेसर आईसी है, ये प्रोसेसर आईसी का ये साइड से 1 2 3 4 इस तरह ये 32 पिन है, और इस तरह 33, और इसका नीचे ये 64 पिन है। तो 64 ये लास्ट नंबर पिन स्टैंड बाई पिन है। तो जब टीवी स्टैंड बाई मोड पर होगा, मतलब ईएसटी नहीं बनेगा, टीवी ऑन नहीं होगा और सप्लाई देने के बाद, तो वो स्टैंड बाई कंडीशन पर जब रहता है, तो ये जो 64 नंबर पिन इसका अंदर कितना वोल्ट मिलता है, देखिए 1.2 वोल्ट। बट कुछ कुछ पीसीबी का अंदर 2.5 वोल्ट का अंदर, मतलब 1 वोल्ट से 2.5 वोल्ट का अंदर वोल्टेज दिखा जाता है, ठीक है। एक एक पीसीबी का अंदर एक एक वोल्टेज थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है। तो ये 64 नंबर पिन है, तो यहाँ पर जब वोल्टेज मौजूद रहेगा तो ये पीसीबी स्टैंड बाई से ऑन नहीं होगा। जब स्टैंड बाई से ऑन नहीं होगा तो क्या होगा कि ये जो आरजीबी, देखिए आरजीबी जो तीनों सिग्नल पिन है, और इसका अंदर एक नेगेटिव है, और दोस्तों ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और आर एक जो पिन है यहाँ पर 8 वोल्ट आता है। तो दोस्तों बट ये इसी कंडीशन पर देखिए 2.2 वोल्ट है, 8 वोल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा, और आर एक जो देखने को मिलेगा कि ट्यूनर पिन पर एक 5 वोल्ट पिन है ट्यूनर का, तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो मेन सप्लाई है, ये सप्लाई आईसी का 36 नंबर और 47 नंबर पिन, ये आईसी का 36 नंबर और 47 नंबर पिन पर 5 वोल्ट जो होना चाहिए, यहाँ पर 1.6 वोल्ट हल्का सा वोल्टेज देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो दोनों वोल्ट ये आता है, यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर है सेम नंबर का, जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, ये जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर से जो आउटपुट हो रहा है, देखिए 1.6 वोल्ट, ठीक है। अब ये स्टैंड बाई मोड पर है, और ये जो ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर से कितना वोल्ट आउटपुट हो रहा है, 2.2 वोल्ट। तो मतलब ये स्टैंड बाई कंडीशन पर है, जब स्टैंड बाई से ऑन हो जाएगा ये दोनों ट्रांजिस्टर वर्किंग करेगा। वर्किंग करने के बाद ये दोस्तों सेम नंबर का ट्रांजिस्टर यहाँ पर रहता है, ठीक है, बट एक ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट और एक ट्रांजिस्टर से 8 वोल्ट वो निकलता है स्टैंड बाई ऑन होने के बाद। तो दोस्तों स्टैंड बाई प्रोसेस किस तरह काम करता है और ये ट्रांजिस्टर किस तरह वर्क करता है, तो इसका ऊपर मेरा चैनल का अंदर डिटेल्स एक वीडियो है, ठीक है। तो वो वीडियो देखने के बाद तो उसका अंदर मैं जिस तरह समझाया, जिस तरह मैं इसका वर्किंग प्रोसेस समझाया, तो वो व्यूअर्स का मन में एक डाउट चल रहा है कि सर ये जो 64 नंबर पिन को ओपन करके रखेगा तो क्या होगा, ठीक है। स्टैंड बाई प्रॉब्लम का वजह और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या, ऑन ऑफ प्रॉब्लम का वजह और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या, तो इसीलिए मैं ये वीडियो के अंदर मैं पूरा प्रैक्टिकली करके देखूंगा कि ये जो स्टैंड बाई पिन ओपन करके रखेगा तो क्या होगा। क्योंकि अभी यहाँ पर जो वोल्ट है 1.2 वोल्ट है, बट स्टैंड बाई ऑन करने के बाद ये वोल्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। मतलब स्टैंड बाई ऑन करने का साथ क्या होगा कि स्टैंड बाई मतलब मान लो रिमोट से इसको स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद ये आईसी का अंदर जो इंटरनल सर्किट है, तो दोस्तों रिले जैसा ऑन ऑफ वो काम करता है। तो ये जो स्टैंड बाई पिन है, ये पिन ये आईसी का जो इंटरनल सिस्टम ऑन ऑफ करके काम करता है, ठीक है, स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद। तो दोस्तों ये जो पिन है, ये पिन नेगेटिव के साथ 30 ओम्स का आसपास रीडिंग आ जाता है, ठीक है, 30 ओम्स का आसपास रीडिंग आ जाता है स्टैंड बाई ऑन होने के बाद। बट दोस्तों नॉर्मल कंडीशन पर ये पिन को अब नेगेटिव के साथ टेस्ट करेगा तो बहुत हाई ओम्स मिलेगा, तो इसी कंडीशन पर यहाँ पर वोल्टेज इसी तरह स्टोर रहता है, ठीक है। तो ये जो वोल्ट है, ये वोल्ट को आप नेगेटिव के साथ, मतलब ये जो नेगेटिव है, ठीक है, जैसे इसके जो मेन नेगेटिव है, ये वोल्ट को आप नेगेटिव के साथ डायरेक्ट कनेक्शन करेगा तो, ठीक है, ये पीसीबी स्टैंड बाई से ऑन हो जाएगा। बट ओपन करके रखेगा तो यहाँ पर इतना ही वोल्ट, ठीक है, ये जो वोल्ट है इतना ही वोल्ट ये लाइन का अंदर रहेगा, ये जो लाइन है ये लाइन का अंदर रहेगा। जो ये स्टैंड बाई एक ट्रांजिस्टर है, ये स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर का
पिन वोल्टेज है। तो ये स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर का ये वोल्ट जब नेगेटिव पर चला जाएगा तब ये पीसीबी स्टैंड बाई से ऑन होगा। बट दोस्तों आईसी तो स्टैंड बाई मोड पर है, बट ये पिन को अब नेगेटिव के साथ कनेक्शन करेगा। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार दिखाता हूँ अभी। तो दोस्तों कैमरा को मैं थोड़ा सेट किया आपको दिखाने के लिए। देखिए ये पिन पर जो वोल्टेज मौजूद है, चलिए मैं आपको फिर भी एक बार दिखाता हूँ कि ये पिन पर देखिए वोल्टेज जो मौजूद है 1.2 वोल्ट, ठीक है। तो ये अभी स्टैंड बाई मोड पर है क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 वोल्ट जो आना चाहिए 8 वोल्ट अभी नहीं है, 2.2 वोल्ट है, ठीक है। तो चलिए मैं ये एक वायर ले लिया। वायर लेने के बाद ये जो स्टैंड बाई पिन है इसका साथ में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए इसका साथ मैं कनेक्शन कर दिया और ये जो लाइन है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव के साथ मैं ये कनेक्शन कर देता हूँ। ये देखिए नेगेटिव के साथ कनेक्शन कर दिया, मैं स्टैंड बाई से ऑन नहीं किया। बट दोस्तों ये पीसीबी देखिए स्टैंड बाई से ऑन हो गया। देखिए यहाँ पर 8 वोल्ट आ गया। देखिए मीटर पर ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है जो रेगुलेटर से जो 8 वोल्ट आउटपुट होता है, देखिए 8 वोल्ट बन गया। और ट्यूनर का जो 5 वोल्ट पॉइंट है यहाँ पर देखिए, ये देखिए ट्यूनर का 5 वोल्ट पॉइंट पर देखिए 4.8 वोल्ट, ये 5 वोल्ट बन गया। तो दोस्तों ये कहाँ से बनता है, ये जो दो ट्रांजिस्टर आपको दिखाया, देखिए यहाँ पर जो एक ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर से देखिए 8 वोल्ट बन गया, ठीक है। और ये जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर से देखिए 5 वोल्ट बन गया, ठीक है। बार दोस्तों आपको क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ, मैं स्टैंड बाई से अभी इसको ऑन नहीं किया, ठीक है। जस्ट ये जो स्टैंड बाई पिन का वोल्टेज को मैं ग्राउंड कर दिया तो ये स्टैंड बाई वोल्टेज रिलीज कर दिया, मतलब स्टैंड बाई वोल्टेज नहीं, जो रेगुलेटर वोल्टेज ये रिलीज कर दिया। तो रेगुलेटर वोल्टेज रिलीज करने का बाद क्या होगा कि आईसी काम करेगा। बट दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा आईसी का अंदर जो इंटरनल सर्किट है ये कुछ सर्किट स्टॉप रह जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको एक बार दिखाना चाहते हो, चलिए अभी ये जो आरजीबी पिन है, ठीक है, आर सिग्नल जो आता है देखिए 0.8 वोल्ट, देखिए 1 वोल्ट का आसपास, ठीक है, आरजीबी आर। और चलिए जी पिन का वोल्टेज 1, तो RG11। और बी पिन का वोल्टेज तो दोस्तों ये भी 1, ठीक है। इसका मतलब तो दोस्तों ये जो आरजीबी सिग्नल आउटपुट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये जो मेन प्रोसेसर आईसी से आरजीबी सिग्नल आउटपुट नहीं हो रहा है। और आउटपुट आरजीबी सिग्नल आउटपुट नहीं होगा तो क्या होगा। बट दोस्तों अदरवाइज सब कुछ वोल्टेज बन जाता है, देखिए 180 वोल्ट ये भी बन जाता है, मीटर पर देखिए 180 वोल्ट ये भी बन जाता है, सब कुछ वोल्टेज ये बन जाता है। बट दोस्तों ये आईसी प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा। और स्क्रीन के अंदर क्या सिम्टम आएगा, हो सकता है नो लाइट प्रॉब्लम। बट दोस्तों मैं हल्का सा स्क्रीन को मैं ESD को घुमाने का बाद देखिए आपको घुमा के दिखाता हूँ। ये जो ESD है ये घुमाने का बाद ब्लू लाइट आएगा, देखिए, बट बहुत ही हल्का सा। तो चलिए मैं आपको और एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए ब्लू लाइट आएगा, बट ये मैं इस तरह बहुत लो करके मैं छोड़ देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। बट दोस्तों जो OSD है, जो पिक्चर आना चाहिए, जो OSD मतलब लिखा जो है रिमोट दबाने के बाद और PCB का जो लोगो है वो आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। क्योंकि वो सब जो आउटपुट होता है, पिक्चर जो आउटपुट होता है, ये RGB तीनों पिन से, ठीक है, RGB तीनों पिन से, तो ये पिन से कुछ भी सिग्नल आउटपुट नहीं हो रहा है। तो चलिए आपको और एक बार दिखाता हूँ कि देखिए कैमरा को थोड़ा सेट किया और चलिए ये वायर को मैं ओपन कर देता हूँ। देखिए ये वायर को ओपन किया, ये स्टैंड बाई मोड पर फिर भी चला गया क्योंकि मैं स्टैंड बाई से इसको ऑन नहीं किया, ठीक है। तो अभी देखिए स्टैंड बाई से मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ रिमोट से, ठीक है। तो चलिए अभी एक बार वोल्टेज टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा आपको। देखिए अभी ये स्टैंड बाई पिन पर जो वोल्ट है 1.2 वोल्ट है, ठीक है। और रिमोट से मैं स्टैंड बाई ऑन करके दिखाता हूँ कि देखिए ये वोल्टेज गायब हो जाएगा। देखिए रिमोट दबाए ये वोल्टेज गायब हो गया। इसका मतलब कि दोस्तों ये वोल्टेज जब गायब हो जाता है कि ये जो स्टैंड बाई पिन, ये इसका अंदर जो इंटरनल एक सर्किट है
वो सर्किट ये पिन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देता है, जिस तरह मैं पहले आपको ये पिन वोल्टेज को नेगेटिव के साथ कनेक्शन करके दिखाया। बट ये पिन तो नेगेटिव के साथ कनेक्शन हो जाता है, और उसका साथ इसका अंदर जो RX सा सर्किट है, ये सर्किट IC को प्रॉपर वर्किंग कराता है। जब प्रॉपर वर्किंग करेगा तब दोस्त इसका RGB वोल्टेज आउटपुट होगा, मतलब RGB सिग्नल आउटपुट होगा। चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ वोल्टेज चेक करके, अभी RGB पिन पर कितना वोल्ट है। देखिए फर्स्ट आपको 1 वोल्ट करके तीनों पिन का अंदर दिखाया, अभी देखिए 1.3 वोल्ट है, थोड़ा वोल्टेज बढ़ गया। और चलिए जी पिन पर कितना वोल्ट है, 1.3 वोल्ट, थोड़ा वोल्टेज बढ़ गया। और बी पिन पर कितना वोल्ट, आपको 1 वोल्ट फर्स्ट टाइम दिखाया, अभी देखिए बी पिन पर कितना वोल्ट है, ये देखिए 2.6 वोल्ट है। ठीक है, तो कुछ कुछ PCB का अंदर जो बी पिन होता है, जो बी सिग्नल आउटपुट होता है, इसका अंदर थोड़ा वोल्टेज हाई दिखा जाता है, और हो सकता है कुछ कुछ PCB का अंदर तीनों पिन का अंदर सेम वोल्ट दिखा जाता है। ठीक है, और चलिए आपको कॉन्फर्म कराता हूँ कि स्टैंड बाई से जब ऑन हो जाता है ये पिन पर 8 वोल्ट आ जाता है। देखिए यहाँ पर 8 वोल्ट है, जो ये 8 वोल्ट बेस बोर्ड का अंदर जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो जैक पॉइंट है, तो दोस्तों स्टैंड बाई पिन को आपको वर्किंग होना ही होना चाहिए, तब यह IC प्रॉपर तरीका से काम करेगा। ठीक है दोस्तों, बट आप स्टैंड बाई से ऑन कराना चाहता हो तो ये स्टैंड बाई लाइन जो वोल्टेज है इसको नेगेटिव कर देगा, तो ये स्टैंड बाई सर्किट काम करेगा। इस तरफ चेक कर सकते हो, बट इस तरह PCB को आप क्या बताऊँगा आपको, करेगा तो प्रॉपर तरीका से काम नहीं करेगा। यही इन्फॉर्मेशन आपको ये वीडियो के अंदर शेयर किया है। ठीक है दोस्तों, और ये स्टैंड बाई पिन आपको ओपन करके छोड़ देगा तो ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं होगा। ठीक है, ये PCB स्टैंड बाई से ऑन नहीं होगा। और दोस्तों आपको इसी टाइम और जो दिखाना चाहता हूँ कि जो लाइट, अभी देखिए स्क्रीन का अंदर जो लाइट देखिए बहुत लो करके आपको देखा है, अभी देखिए लाइट बहुत ज़्यादा आ गया, और जो PCB का जो लोगो है ये लोगो भी आ गया। देखिए तोशिबा का ये लोगो है, ये आ गया। तो दोस्तों एक्चुअली ये जो लोगो है ये सब सिग्नल ये RGB पिन से ही आउटपुट होता है। ठीक है, जो पिक्चर ट्यूब का अंदर बेस बोर्ड होता है ये बेस बोर्ड का अंदर जाता है। तो दोस्तों एक्चुअली इसका मतलब पिक्चर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो OSD है, ओनली जो OSD, ठीक है, हो सकता है पिक्चर ओके है, सब कुछ ओके चल रहा है और ये लोगो नहीं आ रहा है। हो सकता है अब रिमोट दबाने के बाद जो लोगो होता है जिसको OSD कहा जाता है, देखिए मान लो मैं मेनू बटन दबाया, मेनू बटन दबाने के बाद स्क्रीन के अंदर ये मेनू चैट आ गया। ठीक है, ये OSD है, ये जब नहीं आएगा तो इसका अलग सा फॉल्ट है। ठीक है, ओनली पिक्चर हो सकता है ओके, पिक्चर ओके आएगा, बट ये सब लोगो नहीं आएगा तो ये अलग सा फॉल्ट है। इसका ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर आप नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम का ऊपर आप लॉन्ग डिस्कस कराना चाहता हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप लिंक ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होने का पहले आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कराना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और टेलीग्राम ऐप दोस्तों व्हाट्सएप जैसा काम करता है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।